हाय गाइस, वेलकम टू वाईफाई कनेक्ट पॉइंट्स। गाइस, आज हम एक कमाल का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपके सामने लिखा गया है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ नेप्थिलीन। आज हम नेप्थिलीन की स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखेंगे गाइस, जिसमें आपको थ्री स्ट्रक्चर गिवन है, स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में गाइस आपको ये बताना है कि इन तीनों स्ट्रक्चरों में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है गाइस, यही आपको बताना है गाइस। शायद ये तीनों नेप्थिलीन्स हैं, ये तीनों नेप्थिलीन्स के स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन आपको ये बताना है, इसमें कमाल का ये जानना आपको है कि इसमें सबसे मोर स्टेबल कौन है गाइस। तो मोर स्टेबल जानने के लिए गाइस आप बताएं इसमें मोर स्टेबल कौन है गाइस। तो शायद आप गाइस देख पा रहे हैं कि सभी कॉन्जुगेशन में है, सभी स्ट्रक्चर रेजोनेंस में है, सभी स्ट्रक्चर रेजोनेंस में है। और गाइस हमें पता है रेजोनेंस में एक वर्ड आता है रेजोनेंस एनर्जी। अब जिस रिंग में जिसमें रेजोनेंस एनर्जी जितना ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी उतना ही क्या होती है, ज्यादा होती है गाइस। तो हम ये जानते हैं कि जो हमारा बेंजीन होता है बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 36 किलो कैलोरी होती है। तो 36 किलो कैलोरी होती है गाइस, 36 किलो कैलोरी आप जानते हैं कितनी होती है, 36 किलो कैलोरी परमोल होती है बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी 36 किलो कैलोरी परमोल होती है। इसका मीन्स हमें पता है जिसमें रेजोनेंस आरएस जो प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी होता है, आरएस प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी होता है गाइस, जिसमें आरएस ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी गाइस। तो गाइस सबसे पहले तो हम ये देखना चाहेंगे, आरएस ज्यादा होता है स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर फर्स्ट को देखें। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट को हम देख पा रहे हैं कि 1 2 3 स्ट्रक्चर फर्स्ट में एक बेंजीन रिंग दिख रही है, लेकिन अगर इसके सापेक्ष में इसको देखें बेंजीन रिंग में नहीं है। देखें आप, क्या ये बेंजीन रिंग में दिख रही है, रिंग साइकिल में है जरूर, लेकिन ये बेंजीन रिंग में दिख नहीं रही है। अगर हम स्ट्रक्चर सेकंड को देखें तो ये बेंजीन रिंग में है, लेकिन ये बेंजीन रिंग में नहीं है। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर थर्ड को देखें गाइस, तो ये भी बेंजीन रिंग में है, ये भी बेंजीन रिंग में है। देखें इसके सापेक्ष में बेंजीन रिंग है कि नहीं गाइस, तो बताओ इसमें बेंजीन रिंग कितने हैं, आपकी कितनी दिख रही है, 1। इसमें भी कितनी दिख रही है बेंजीन रिंग, इसमें भी कितनी दिख रही है, 1। लेकिन आप गाइस इसमें देख पा रहे हैं इसमें बेंजीन कितनी दिख रही है गाइस, बेंजीन इसमें दिख रही हैं 2। देख पा रहे हैं आप फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, सेकंड में है। तो गाइस आप बताएं इसमें मोर स्टेबल कौन होगा, तो सबसे मोर स्टेबल कौन होगा गाइस, आप खुद बता पाएंगे इसमें मोर स्टेबल होने वाला कौन है गाइस। इसमें मोर स्टेबल आपका कौन होगा, थर्ड होगा, जो कितने रिंग के साथ है, 2 बेंजीन रिंग के साथ है। लेकिन फर्स्ट सेकंड क्या होंगे, दोनों में एक एक बेंजीन रिंग है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा स्ट्रक्चर फर्स्ट है और स्ट्रक्चर सेकंड है ये इक्वल स्टेबिलिटी में है, लेकिन इनसे मोर स्टेबल कौन होगा, स्ट्रक्चर नंबर थर्ड गाइस। आपको वैसे ऐसे ट्रिकी वीडियो मिलते रहेंगे, ऐसे ऐसे केमिस्ट्री की लाजवाब, अगर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस सीखने हैं, जानने हैं, तो इस चैनल से जुड़े, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।